नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए सीटेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमारे 1 से 5 तक, जो परीक्षा तिथि थी 18 सितंबर, ठीक है, उसके बारे में आज हम उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले बाल विकास से शुरू करेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बताया गया है, इसमें ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया है, सहयोगी प्रोजेक्ट, जो बी ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सी ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और डी ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए सही होगा, इसका राइट आंसर ए। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी व्याख्या है, वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। इसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीकों तरीके हों। देखिए, मानक तरीके, अभी जो कक्षा 1 से 5 तक का जो बच्चा होता है वो मानक तरीके बहुत कम सीखता है, ठीक है, जो 5 से जब लेवल उसका ऊपर हो जाएगा तो वह मानक तरीकों को सीखने लगता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों को कभी उनके अंकों के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। ये NCERT में साफ साफ लिखा मेंशन किया गया है, अर्थात लिखा गया है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। NCERT में साफ लिखा गया है कि बच्चे कुछ भी बात करें, उनको आप ध्यान से सुनें और उन पर गौर करें। यह ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो डी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का को लागू करें, अर्थात विद्यार्थियों को कठोर नियम बिल्कुल इससे दूर ही रहना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए कक्षा को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो देखते हैं आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है, यदि कब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। गलत है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि अर्थात जो हमें फीडबैक प्राप्त हो कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या सीख रहा है, उस तरह से हम आगे का ब्यौरा बनाएं और बच्चे को पढ़ाएं। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी क्या कहता है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। यह गलत है, क्योंकि वर्ष के अंत में एक बार आकलन नहीं, आकलन का उद्देश्य ये नहीं होता है। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा डी है, विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों में अंतर नहीं करना है। मैं NCERT साहब कहती है कि विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, विद्यार्थियों को हमें सामूहिक रूप से सिखाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है।
अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है NCF 2005 के अनुसार, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता। देखिए इसमें जो शिक्षक की भूमिका रह गई है कि शिक्षक क्या है, एक सुविधादाता। अगर बच्चे को कुछ नहीं आता वो उससे पूछ सकता है, ठीक है। एक बार नहीं आएगा, दो बार पूछेगा, हज़ार बार पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा, आप सुविधादाता हैं। तो इसमें व्याख्या भी है इसकी, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक के कमियों को दूर करे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसमें कहा गया है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम, तो ऑप्शन नंबर ए है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी है, का एकमात्र निर्धारक होती है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक एकमात्र निर्धारक है, जो शिक्षक है वो कुछ पढ़ाएगा तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो लेकिन देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहे हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। यह भी गलत है, क्यों नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ऐसा भी नहीं है अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं छूटेगा, छूटेगा, तो यह भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो ऑप्शन ए है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी गलत है, किसी पर विद्यालय पर क्या भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी। तो इसकी जो व्याख्या है वही है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आ रहा है। सातवां है, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। देखते हैं, बी है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है सुनने में असमर्थ बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है सुनने में असमर्थ बच्चा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उनके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है हमारा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उनके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि NCERT में साफ कहा गया है कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है, अर्थात समावेशी शिक्षा में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अलग पढ़ाया जाए, सिर्फ जो बच्चा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो उसे ही हम अलग बिठाकर पढ़ा सकते हैं, वाद बाकी कोई भी बच्चा हमारे ही स्कूल या क्लास में बैठकर पढ़ सकता है।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा सी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हित में से कौन सी शिक्षा प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ऑप्शन नंबर ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर डी, वह रमी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियाँ के लिए पुरस्कार देकर, ये भी नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगी को प्रसोहन देकर, इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। और एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी लिखी गई है उसमें साफ साफ 5 पॉइंट दिए गए हैं निर्देश के आधार पर। उसमें कहा गया है कि बच्चे के जीवन से कोई भी शिक्षा हो, बच्चे के जीवन से जोड़कर ही करनी चाहिए, तो बच्चे को अधिक समझ में आती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जानकारी में निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो गलत ऑप्शन है, निष्क्रिय कैसे हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक, अर्थात ए बी और सी डी, तीन में एक दिया गया तो ये सारे गलत हो गए, बचा बी, तो बी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और बी देखते हैं, 2 3 4 दिया गया, ये देखते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये भी राइट है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है क्योंकि कहा गया है बच्चे को नन्ना वैज्ञानिक कहा गया है। उसके बाद जो फोर्थ है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण, जो अन्वेषक हैं, ये भी सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यागामक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, गलत है, अपने आप कैसे समझ जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 वो अपने आप नहीं समझ सकते। तो ऑप्शन नंबर बी है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, जो याद करना है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें तर्क शक्ति और प्रोत्साहन दिया गया है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है, देखते हैं आगे, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, यह गलत है ऑप्शन। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बल और ही ये निगेटिव वर्ड है। उसके बाद जो डी ऑप्शन है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है,
और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है? ऑप्शन पॉइंट एक दिया गया है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। गलत है, बच्चे के पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सही है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, जो दूसरे पॉइंट में कहा गया है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें बेहतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें या कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एक कदम ठीक कर दिया। ऑप्शन नंबर सी से, यह काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, इसमें लालच दिया जा रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। गलत है, डर पैदा करके नहीं किया जा सकता है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसका ऑप्शन ए है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। यह गलत है, दंडात्मक, यह भी गलत है। उसके बाद हमारा, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये भी गलत, अंक प्राप्त करने के लिए प्राय नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी है शारीरिक दंड, सी है व्यक्ति सापेक्षाधिगम और डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिरापद भिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहर की ओर। तो हमारा जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, पेपर में सीधा यही लिख के आता है, सिर से पैर की ओर।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, प्रारंभिक बचपन का समय। दीन प्याजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योगात्मक का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, वे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो इसके ऑप्शन अनुवांशिकता तथा वातावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के गौड़ भाग हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। परिवार और रिश्तेदार हटा दो, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य ये भी नहीं होगा, विद्यालय और पास पड़ोस यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए, ले वाइगोस्की जो थे वो सामाजिक को अधिक महत्व देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है संतुलन, बी है सामाजिक अन्योन क्रिया, और इसमें पूछा गया अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25वां क्वेश्चन है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, दूसरा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी होगा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ऑप्शन एक है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, तीसरा है समन्वयीकरण और संशोधन के रूप में, चौथा है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, बी है नियामक है, सी है समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, बी है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ये तो गलत ही है,
शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधि से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है हमारा, जीन प्याजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी ऑप्शन है, जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और ले वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जीन प्याजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग है तो इसका राइट आंसर होगा जैविक सत्ता। जैविक सत्ता क्या है? एक लिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। अब हमारी गणित शुरू हो गई है, मैथ। मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारे साइकोलॉजी और क्या देखते हैं, जो हल होंगे उनको हल करेंगे। हो सकेगा तो यहीं हल करके बताएंगे, नहीं तो देखते हैं। इकतीस नंबर मैथ है। मैथ में हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। बी है, इसी संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। सी है, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करते। और डी है, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। देखते हैं, केवल अप्रमाणित मापों का उपयोग करना चाहिए, ये तो गलत ही है साहब। तो अप्रमाणित मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऊपर जो दो दिए गए हैं, सबसे पहले हम प्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे, उसके बाद अप्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट संख्या चार्ट, बी है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, सी है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड, डी है कंप्यूटर चार्ट संख्या और जियो बोर्ड। देखिए इसमें कंप्यूटर 3 में दिया है, ठीक है, और 1 में नहीं दिया, तो सबसे पहले कंप्यूटर तो होगा ही होगा, ठीक।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें बताया गया है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी सही होगा, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिनमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसके ऑप्शन अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, बी है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, सी है एकैकी संगतता सिद्धांत, डी है अमूर्तन सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, अमूर्तन और असंगतता का सिद्धांत, असंगत क्रम सिद्धांत, जो असंगत क्रम सिद्धांत है वो सही होगा, अमूर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमूर्तन और असंगत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 ढाई लिखने के लिए कहा, कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है हमेशा ढाई और इकाई के स्तंभ में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। बी है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। सी है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, इन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। ठीक है, इसमें डी जो ऑप्शन है वो भी गलत है, ठीक है, और जो ए है वो भी गलत है, और बी यह हमारा भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यह गलत है, क्योंकि प्रतिचित्रण जो है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको देखते हैं। ए है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बी है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सी है गणित को आनंददायक बनाने में, डी है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो हमारा जो राइट आंसर बी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह हमारे चारों मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिए हुए आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता
पता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आलेख पेपर के प्रयोग से। ठीक है, उससे आलेख जो ग्राफ पेपर होता है उसकी सहायता से हम बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये तो कहा नहीं गया, यह गलत है। गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, यह एनसीएफ में कहा गया है, यह सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रसोहित करना, यह भी कहा गया है। तर्कसंगत विचार को प्रसोहित करना, यह भी एनसीएफ में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि यह एनसीएफ में कहीं नहीं लिखा है गणित की उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कहा गया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो जो हमारा स्थानीय मान होता है वो जहाँ पर, जैसे जिस स्थान पर लिखा हो, जैसे अगर ढाई के स्थान पर है तो उसमें 10 का गुणा होगा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा होगा, और इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा होगा। स्थानीय मान में यह होता है। तो 5 का स्थानीय मान, जैसे यहाँ पर 5 है और यह सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें जो 5 है, ये जो 5 है तो ये हमारा कहाँ पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 × 100। तो हमारा 5 का स्थानीय मान कितना आया, 500। कितना आया, 500। अब इसमें कहा गया है 32,071 में अंकित मान, 7 के अंकित मान में अंतर। जो अंकित मान होता है वो हमारा वही रहता है जो पूछा जाता है, जैसे 7 है, तो इसका अंतर पूछा गया, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 493। कितना आ जाएगा, 493। तो हम देखते हैं इसमें 493 हमारा जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसमें 44 नंबर। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस ढाई, तब रिक्त स्थान क्या होगा। अब देखिए इसमें 28 इकाई है, क्या है, इकाई। इकाई क्या होता है, एक होता है इकाई, तो 28 इकाई है, एक होता है गुणा एक प्लस, अब क्या है 28,000 है, 28। अब इसमें हज़ार का गुणा हो जाएगा, कितने का होगा, हज़ार का। अब इसमें क्या करेंगे, इनको प्लस कर, 28,000 28 हो गया, इनको इसका जो योग होगा 28,000 28। ठीक है, अब कुल हमें कितना दिया गया है, 30,028। अब ढाई में कितना रखें कि हमारा 30,000 हो जाए, तो इसमें और कितना जोड़ना है, इसमें हमें 2,000 जोड़ना है, और यहाँ पर 2,000 अगर 10 का ढाई है तो गुणा किसका करना है, 10 का करना है, तो इसमें कितना रख दें कि 2,000 हो जाए, तो हम यहाँ पर 20 रख दें, 2,000 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30,000, तो हमारा जो आंसर आएगा उस वो हो जाएगा 200। कितना है, 200। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ पर कितना, 200 रख दें, 200 2,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। इसमें कह रहा है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 9,909 को भाग 109 से देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब शेषफल है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम 108 से भाग देंगे 80,808 में। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 748। ठीक है, और 9,109 का भाग हम किस में देंगे, 90,909 में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा इतना। ठीक है, अब इसने पूछा क्या गया है,
कि इससे हम भाग दें तो कितना शेष पल आएगा। अब इसको इससे घटा दें, कितना बचा, कितना बचा, तो इसको हम भाग दे देंगे, इसमें से कितना बचेगा, इस शेष पल इसमें कितना बचा 24, और इसमें बचा 3। तो शेष पल से भाग देना है, तो शेष पल से जब हम भाग देंगे, 3 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 63, 24, 8 बार गया, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 8। तो 8 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 8, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है यदि 603 गुणे 28 और 63 गुणे 4 रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, x का मान निकल आएगा, निकल आएगा ना, तो हम इसको इससे काट देंगे, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 7 × 7 और 9 × 7 = 63, 9 × 9 से ये काट दो, 9 × 9 = 45, अच्छा 54, 6 बार गया, 9 × 4 = 54। अब देखिए इसमें 6 इसमें भी है, इसमें भी है, अब ये तो क्लियर हो गया, इन्हीं में दोनों में से होगा, तो 9 × 6 = 54, 6 बचा, अब कितना हो गया 63, 9 × 7 = 63, तो हमारा आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कहा गया है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भाग 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणज बराबर है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ा तो उसका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 30, 45, 60 का, तो हमारा कितना आएगा 180, कितना आएगा 180, और उसका एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 3। अब देखिए 180 और 3 यही है, 180 क्या है हमारा, देखिए 5 × 3 = 15, 3 × 45, 2 × 90, 90 × 2 = 180। अब इसमें ये कहा गया था ये 200 और 400 के बीच है, अब ये ना तो 200 के बीच है ना तो 400 के बीच है, तो हम इसमें 2 को गुणा कर देंगे 360 हो जाएगा। अब ये बीच में आ गया 200 और 400 के बीच, तो 360 हो गया। अब 360 करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करें, 120 का, 120 का गुणा करना पड़ेगा, 120 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही हमसे पूछ रहा है कि बराबर है तो क्या 120, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दाई तथा 5 दाई के बीच में है, इसमें इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है, ठीक है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। अब देखिए जैसे कोई संख्या है, उसका अंकों का योग कितना है, 7 है, गुणनफल पूछा गया है। देखिए कोई संख्या ले ली, पहले क्या है, एक संख्या 9 के आधे से छोटी है, अब 9 का आधा हुआ 4.5, 4.5 से छोटा क्या हुआ 4, क्या हुआ 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया। अब कह रहा है 4 दाई तथा 5 दाई के बीच में है, अब 4 दाई तथा 40 और 5 दाई के बीच में है, 4 दाई और अर्थात 40, वो जो संख्या है 40 और 50 के बीच में है, ठीक है, एक अंक तो मिल गया हमें 4, ठीक एक अंक मिल गया 4। अब कह रहा है इसमें इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है, जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक से 1 कम है, तो 4 लिखा हुआ है, इससे 1 कम कितना हुआ 3। अब देखिए दोस्तों ये 40 और 50 के बीच की संख्या है, ठीक है, और जो भी इसका योग 7 है, 4 × 3 = 7 होता है, ठीक है, सब शर्तें लागू कर रहे हैं। अब इसका क्या पूछा गया, गुणनफल पूछा गया, तो 4 × 3 बराबर कितना होगा 12 है, हमारा राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियाँ हैं। अब देखिए 360 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 360, अब 2/3 क्या हैं लड़कियाँ हैं,
तीन अर्थात 240 लड़कियां हैं, ठीक है, 240 लड़कियां निकल गई। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब जब 240 लड़कियां बचे कितने, 120 लड़के हैं, और उसमें से 3/4 क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो हमारे 90 खिलाड़ी हो गए। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या, अब 90 खिलाड़ी हैं तो बचे कितने, 30, 30 खिलाड़ी नहीं हैं, आंसर हमारा कितना हुआ 30। देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कितना डी 30 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में ख़रीदा, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया, शेष रकम को 37 बार किस्तों में देने पर राजी हुआ, ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि है। अब देखिए इसमें क्या, सबसे पहले उसने ख़रीदा 49,553 का, 49,553 का ख़रीदा, जब उसने 49,553 का ख़रीदा और 8,076 का भुगतान कर दिया, बचा कितना, 41,477 रुपये। अब एक वह पूछा गया किस्त कितनी देगा और देता कितने बार है, 37 बार, तो 37 का भाग दे देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1121, कितना आएगा 1121, 41 में 37 का भाग तो आ जाएगा 1121, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, अब देखिए दोपहर जो एक 13 बजता है वो दोपहर में बजता है, तो 13:15 से हमारा पूरा राउंड घूम गया तो 12 घंटे तो हो गए। अब 1:15 से 7 बजे तक कितना हुआ टाइम, वो इसमें ऐड करना है, तो 1:15 से देखिए 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15 हो गए, तुम्हारे 6 घंटे और हो गए, तो 18 घंटे हो गए, तो 18:15 कितना समय हुआ, 18:15, तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, अब देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 × 24 × 60 यही है, ये क्या हो गए मिनट, मिनट हो गए। अब घंटे बनाने, इसके क्या बनाने घंटे, तो इसमें 60 का भाग दे दें, घंटे बन जाएंगे क्या, तो अब इसको क्या बनाना है सेकंड, तो सेकंड बनाने के लिए 60 का फिर भाग, तो ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, तो 15 × 15, 15 × 60, 4 × 4, 4 × 6, 24, तो हमारा आंसर कितना है 6 घंटे, ये क्या आ गया 6 घंटे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। संतरे के 15 लीटर 286 मिली जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिली जूस में मिलाया जाता है, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है जहां प्रत्येक बोतल में 250 ग्राम जूस आता है, बोतलों की संख्या। अब इसमें देखिए 15 लीटर 286 मिली और 19 लीटर 714 मिली, तो इसमें से 15 लीटर 750 मिली हम निकाल देते हैं, 12 लीटर 750 मिली निकाल लेते हैं, तो इसमें 12 तो निकाल दिया, बचा कितना उसमें 3 वहाँ बचा 3 लीटर 286 मिली लीटर बचा,
और यहाँ पर 750 है तो 700 ये निकाल दिया, और इसमें 50 और निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 36, 36 और 14 है, कितना हुआ हमारा 50, तो 250 बच गया। तो 19 और 3 22, 22 लीटर 250 बचा है। तो इसको हमें कितना में करना है, 250 की बोतलें बनानी है, तो एक तो वो हो गई। अब 19 चक्कू, सॉरी 19 नहीं बचा, कितना बचा हमारा 22 हो गया। अब 22 250 है, 250 की एक बोतल वो हो गई। अब 22 चक्कू कितने होते हैं, 22 चक्कू 88 और एक 79, 88 और एक 89। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में एक ज़रूर आता है, तो इसको हम गौर से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। तो इसमें कहा गया है फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18.50, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120.60, सेब 78.40। तो अब क्वेश्चन कह रहा है रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 4 किलो सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब देखिए इसमें खरबूजा कितना ख़रीदा, 4.5, अब 1 किलो मिलता कितने का है, 18, 18.5, तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा जाएगा 83.25। और चेरी कितने लिया है, 1 किलो 200 ग्राम, तो 72 रुपये के हिसाब से हमारी हो गई 86.40। और अंगूर हमने 250 ग्राम लिए तो वो हो गए 120 के हिसाब से 30 रुपये 15 पैसे। और सेव का मूल्य जो हमारा है वो हमने लिया है 1 किलो 750 ग्राम लिया, तो 78 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 137 रुपये 20 पैसे हो गया। अब कुल हमने 337 रुपये का सामान खरीद लिया, 500 का नोट दिया, तो 500 माइनस 337 बराबर 163 रुपये हमारा बच गया, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 163 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, तो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। तो देखिए प्रत्येक टिकिए का आयतन 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर घन, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56। अब जो प्रत्येक पेटी का आयतन है, अब वो एक टिकिए का आयतन हो गया, ये पेटी का आयतन है 56 सेंटीमीटर और 0.4 × 100 सेंटीमीटर, तो इसका जो आएगा दोनों का निकाल लेंगे और बराबर आ जाएगा हमारा 640। अब देखिए 640 और पेटियाँ, दो पेटियों में साबुनों की संख्या, तो एक पेटी में कितना आया हमारा 640, दो पेटियों में आ जाएगा 1280। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयतन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। कोई आयतन, आयतन है उसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, तब आयतन, आयतन और वर्ग दोनों की परिमाप बराबर होगी, बराबर है, देखते हैं कैसे। वर्ग का परिमाप भुजा इंटू 4 होता है, तो भुजा 12 तो इंटू 72 सेंटीमीटर 18 आ गई, भुजा कितनी आ गई 18। इसी तरह आयतन की चौड़ाई आप इंटू वर्ग की भुजा, अब वर्ग की भुजा कितनी है 18, आप 9, कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। आयतन की लंबाई, जो आयतन की लंबाई है 3 × 9 = 27 सेंटीमीटर, आयतन का परिमाप 27 + 9 = 72, आयतन का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 55 लीटर 55 मिलीलीटर 55.55 लीटर, ये गलत होगा।
1000 में होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। दो अंकीय संख्याओं को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लैंगिक भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्राफ पेपर। अब देखते हैं हमारा पर्यावरण अध्ययन आ गया, इसमें सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, चील, गरुड़, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खेती करने के वितरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस तरह की झूम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, उस वाद्य यंत्र के द्वारा कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं? सही नहीं है क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का एकल केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि परिवार का वर्गीकरण केवल एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवों के पेट में अमाशय रक्त की प्राकृतिक होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अम्लीय। क्या है? अम्लीय। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घूमकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल जिसको हम सिरका कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की
पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, ये दवाइयों के गुणों वाली पत्तियां और दवाइयों के गुण से रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, इसमें कहा गया ऑप्शन ए कह रहा है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर है होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रिया कलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, सही है। लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगें, सही है। इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दत्तकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा बहुत सही आंसर है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह वैज्ञानिक लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। देखिए इसमें कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा राइट वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये शिक्षक का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ठीक है, कि वो उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हो जो श्रेष्ठ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, मैं क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उत्तर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक होगा
ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपनी विद्यार्थियों को भिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर, तो इसमें जो डी पॉइंट दिया गया है, डाटा संग्रह का विकास करना, ये बिल्कुल नहीं होगा, बाद बाकी ए बी सी तीनों हो जाएंगे, तो तीनों किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्विधिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं और वह एक कारण कौन सा है। इस बात को वारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं शेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, और सी ऑप्शन है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, डी ऑप्शन है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, ए पॉइंट कहता है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी है बच्चों को भिन्न लोगों की संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उनका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं, पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, बाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्पीय विचार हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जलक्रम का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक स्थान के नामों के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही वितरण का मिलान कीजिए, मनाली, देखिए ये घरों के हैं तो इसको मिलाते हैं, मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख,
ठीक है। असम में जो घर बनते हैं वो बांस के बनते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, तो जो असम सी है वो ए का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सी दिया गया वो ए का किस में दिया गया, तीन में दिया गया, तो अर्थात तीन, इसमें जो बी ऑप्शन है वो तो हट गया। उसके बाद आते हैं जो हमारे मनाली में घर बनते हैं वो किस प्रकार, तो बनते हैं मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, क्योंकि मनाली में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो ढालू वाले पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनते हैं, जो कि उस पर बर्फ़ गिरे और नीचे टपक जाती है, जिससे हमारे घरों का नुकसान नहीं होता। इस तरह ए का दो हो जाएगा। और राजस्थान जिनकी छतें कटीले झाड़ियों से छाई होती हैं, और जो हमारा लद्दाख होगा वो ऑप्शन नंबर 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 2, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिज़ाइन बने होते हैं वो पूछा गया है, इनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, उस जलवायु के कारण होता है जिनमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। डी ऑप्शन है परिवर्तित प्रकाश के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उन जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा किया गया, तो यह जनादेश किया गया था हमारा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जंगल अधिनियम अधिकार 2007 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हमारे मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गठपर्डी पौधा कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, एक तो उच्च तारत्व की ध्वनि नहीं सुगंध देता है, ठीक है। का मुंह छोटी छोटी कटीले कांटियों से ढका होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंवला पालक और गुड़, इनमें प्रचुर मात्रा में होता है खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो यह होता है हमारा फक्ता जो कांटों के बीच घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के विषय में नीचे दिए गए वितरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी हिंदी आ गई, हिंदी हिंदी तो देखते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया जाता है, इसमें क्वेश्चन है, ये मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है, तो गद्यांश के अनुसार जो ए ऑप्शन है मंत्राड्डे ने सुर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था, हजारों युवकों का शहीद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी, ऑप्शन नंबर ए फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, ये सब पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। उसके बाद है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ
ये तो मुहावरा है, इसका अर्थ होगा विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भीड़ जुटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरा, तो इसका जो सही आंसर होगा विधवा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का हौसला परस्त था क्योंकि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चीन से मात खाई थी। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी सही होगा, दूध उमड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निर्धारित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में लिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को कहानी सुनाने का उपयोगिता सिद्ध होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई, तो आप उसे उससे उसे ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, ऑप्शन नंबर सी वीडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक की भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, ऐसी स्थिति में शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना गलत है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना गलत है, भाषण विवाद और कविता पाठ से भाग लेना गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैराग्राफ से संबंधित हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, बारिश के लिहाज से वह साल ठंड ठंड गोपाल था, वाक्य का भाव है। ऑप्शन नंबर डी से होगा, बारिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंसिया शब्द का भाव है। ऑप्शन नंबर सी से होगा, बहुत हल्की बूंदाबांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जैसे डीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, पढ़ाई में पिछड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, जो पढ़ाकू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि जिसके पास इंग्लिश हो तो इंग्लिश और संस्कृत हो तो संस्कृत, ठीक है, जिसने भी जो लिया हो वह कर सकता है। देखिए इसमें पैराग्राफ दिया गया है, उद्योगा केशाम लक्षणम, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नडाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपाह पदस्य पर्यायो भवति, ऑप्शन नंबर डी जनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय श्लोके अग्निया इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयुक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहिन न। नेक्स्ट, भोजनांते किम विस्प्रदम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीते लक्षणम कति विदनम विदम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, षड विदनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगदो सेड विकारा कुत्र न भवति, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साधुसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय कक्षायाः शिक्षकः प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सः किं विकसितुम् इच्छति, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, शुद्धताम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधो लिखितेषु किस्मन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, लेखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिपुष्टिया अस्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उभय शिक्षक शिक्षार्थियानां कृते स्वस्व विकासाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिकस्य पाठनम शिक्षयितुम् अधोस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति, ऑप्शन नंबर सी सही हो, बोधपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आधा चरणम किस्म अस्ति, आधम चरणम किम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु किस्मन् विषय शिक्षकस्य ध्यानम
सात, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एकस्य छात्रस्य विकास्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन समय अधस्तने कास्य महत्व शवादिकम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाठस्य अर्थस्य अवगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालानां पत्रिकातः कस्यचित् कथायाः पठनम नाम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्तराध्यानम। उत्पादक कौशलम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, संभाषणम लेखनम च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्र सह संप्रेषण करोति एवं सा उपयोगम करोति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शब्देतर संप्रेषणस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुप्रसन्नः इति पदेन विलोम पद भवति, ऑप्शन नंबर सी से होगा, बहु दुखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारा वीडियो पसंद आया हो क्या, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।